ওই বস আওয়াজ নিচে। उस्मान भाई से बात करते हैं और उनके थोड़ी सी जर्नी के बारे में जानते हैं कि शेफर्ड्स के बारे में इनको क्या क्या नॉलेज है और ये क्या हमें ऑफर कर सकते हैं, आप लोगों को क्या क्या ऑफर कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, अपनी हिस्ट्री, अपना कैनल। और इनको अभी हम अभी से नहीं, बहुत अरसे से जानते हैं और बड़ी रैंडमली इनसे दोस्ती हुई, लेकिन वो दोस्ती ऐसी हुई कि वो दिन ब दिन पक्की होती जा रही है। और माशाल्लाह अभी 3 साल हो गए हमारी दोस्ती को और ये अभी ऐसी कायमदाय में कराची में जो भी हम लोगों के लिए शेफर्ड्स के क्लाइंट्स होते हैं तो हम इन्हीं से सप्लाई लेते हैं शेफर्ड्स की, और बहुत बेहतरीन इनके पास से पपीज, बहुत अच्छी ब्रीडिंग निकलती है। ये गेल है, इनका नाम गेल है और ये मेल है। अभी उस्मान भाई थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम, क्या अच्छी है। मुझे एक तो सबसे पहले कि बहुत खुशी है कि आप लोग कराची से स्पेशल आते हैं मेरे लिए, तो ये आप लोगों का थैंक्स है, आप लोगों का प्यार है। बस छोटा सा एक शौक कर रहे हैं, वॉर्म ब्लैक डायमंड के नाम से मेरा कैनल है, तो खुद भी शौक कर रहे हैं साथ दोस्तों को भी करवा रहे हैं। एक मेरे पास ये मेल है गेल, दूसरा FCI मेल डेंजो है, चंद फीमेल्स पड़ी हुई हैं, बस अपनी ब्रीडिंग करवाते हैं साथ सेल परचेज और एक सर्कल चला रहे हैं। सही माशाल्लाह। अपना उस्मान भाई, आपने मेल्स तो बहुत खूबसूरत रखे हैं, मैंने अभी ये आपका ब्लैक वाला मेल देखा ही तो बहुत खूबसूरत है, तो इनको कैसे मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पे आप? भैया हमारे लिए, आप लोगों का कराची का जो मौसम है ना उस लिहाज से इस्लामाबाद अच्छा, बहुत एक, अच्छा एक, है। एक मिनट उस्मान भाई, मैं थोड़ा सा करेक्ट करता चलूँ अपने उनको, अपने व्यूवर्स को, कि हम लोग अभी आए हैं इस्लामाबाद में ना, तो यहाँ का वेदर थोड़ा सा डिफरेंट होता है कराची से, बारिश हो रही तो है, ये इसी वजह से मैंने यहाँ का सवाल किया। अभी देखें बारिश हो रही है और हम बारिश में बैठे। उस्मान भाई आपको जैसे पता है कि कराची में बहुत ज्यादा नमी और बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन दिन के टाइम यहाँ इस्लामाबाद में गर्मी हीट जरूर है, लेकिन 5 या 6 बजे के बाद ऑटोमेटिकली हवा ठंडी, जो इन जानवरों को बहुत अच्छा जो है ना मेंटेन कर रही है, इनके कोट को, जब इनका कोट ज्यादा, इनका कोट आ रहा है, इनकी हेल्थ बहुत अच्छी हो रही है, बाकी इन पे केयर है। आप जैसे आप आए, आपने देखा कि फर्स्ट टाइम इनको सुबह सुबह हम लोग इनको वॉश करते हैं डेली, ठीक है, बहुत इन पे केयर कर रहे हैं, टाइम देना पड़ रहा है, तो अभी भी गीला हो रहा है और ये अभी भी आपके सामने मौसम ऐसा है ना, बारिश हो रही है, बिल्कुल बारिश हो रही है। ग्रूमिंग इनकी बहुत ज्यादा फिर भी जरूरी है, चाहे आप किसी भी इलाके में रखें, इनकी ब्रशिंग तो बेसिकली उस्मान भी ऐसा है कि कोई भी लॉन्ग कोट हो या डबल कोट, लॉन्ग कोट डॉग, कोई भी आपके पास मेल है जिसकी स्किन पे आप बाल देख रहे हैं उसकी ग्रूमिंग बहुत जरूरी है। लोग अक्सर क्या करते हैं, अच्छी से अच्छी चीज ले आते हैं लेकिन उसकी ग्रूमिंग नहीं करते, आने वाले टाइम में वो जानवर भी खराब हो जाता है, फिर वो खूबसूरत भी नहीं लगता। देखिए जर्मन शेफर्ड की तो सबसे मेन चीज है खूबसूरती, बिल्कुल ऐसा, अगर आपको खूबसूरती नजर नहीं आएगी तो वो फिर जर्मन शेफर्ड कैसा है, बिल्कुल ऐसा ही। और माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ, मैंने अभी हाथ फेरा बालों में, एक जगह पे भी मुझे नॉट्स नहीं बने हुए दिखे, तो इससे जाहिर हो रहा है कि आप इन पे मेहनत बड़ी कर रहे हैं। मेहनत तो भाई आपको पता है कि मेहनत करेंगे तो उसका सिला मिलेगा, अगर मेहनत नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा उस्मान भाई, आपने इतने सारे शेफर्ड रखे तो कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ कि आपस में लड़ गए? हाँ भाई देखिए, फीमेल जितनी होती है हम लोग उनको जो है ना आपस में इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन जो मेल्स हैं उनको इकट्ठा नहीं कर सकते। अच्छा, एक साथ नहीं, एक साथ, हाँ, अगर हम एज मेल हैं तो वो आपके इकट्ठे चल सकते हैं, सही, अगर एज डिफरेंस है तो वो मेल कभी भी आपके जैसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। या अगर हमने पपी एज से पाले हुए हो, जैसे कि एक पपी है हमारा कोई 6 महीने का और दूसरा है 2 महीने का, हाँ वो एडजस्ट कर जाएंगे, वो एडजस्ट कर, वो एडजस्ट कर जाएंगे, यानी मतलब ये कि शुरू से अगर हम 7 पालें तो एडजस्ट कर सकते हैं मेल, लेकिन अडल्ट एज में एक साथ नहीं रह पाते, अडल्ट एज में कभी भी एक साथ इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, सही, क्योंकि ये टेरिटोरियल बहुत होते हैं, बिल्कुल इसी तरह अग्रेसिव हो जाते हैं मेल, एक दूसरे को एडजस्ट नहीं करते। थोड़ा सा नमूना देखें, अगर आप आपके पास भी दो मेल्स हैं लेकिन वो नमूना आप सुबह भी देख चुके हैं, दोबारा देखना मन भाई, जितना ये अग्रेसिव
सेंसिटिव है ये उतना सेंसिटिव भी है। बिल्कुल अगर आप इसको प्यार नहीं करेंगे ये आपके साथ दिन ब दिन पीछे होता जाएगा, डिप्रेशन में जाता जाएगा। आप खाना तो उसको डाल देंगे, खाना तो वो खाएगा, लेकिन उसका डिप्रेशन दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। कुछ फीमेल्स हमारे पास ऐसी गई हैं जो कि खाना भी छोड़ देती हैं, मतलब पिकी हो रही होती हैं काफी, जरा सा के मिजाज के खिलाफ कोई बात हो जाए। स्पेशली जो नई फीमेल्स आती हैं ना वो थोड़ा सा तंग करती हैं, एक आध महीना तंग करती हैं, फिर उनके साथ बॉन्डिंग क्रिएट करने में काफी टाइम लगता है। देखिए मसला ये है कि आप उनको नई फीमेल तंग भी करती हैं, आपका अगर पुराना भी मेल है अगर आप उसको इंटरेक्शन नहीं देंगे, उसको रोज उसका प्यार नहीं मिलेगा। बिल्कुल। अब आपको खुद जज करना है कि आपका मेल क्या चाह रहा है। अगर उसका खेलने का माइंड है आप उसको खिलाएं। अब ये नहीं कि वो 24 आवर एक जगह पे बंद रहे, आप उसको बाहर निकाल लें। सबसे बेहतरीन आप इसको अपने कुत्ते से खुद प्यार करें। जब आप उससे लाड करेंगे वो आपके साथ ज्यादा अटैच होगा और उसका रिजल्ट वो आपको ज्यादा अच्छा देगा। बिल्कुल सही। अगर मेल आपका खुश है तो समझे वो आप भी खुश है। यानी अ हैप्पी डॉग इज अ हेल्दी डॉग, कि वो आप उसको प्यार देंगे तो वो आपके साथ बहुत अच्छा है। अच्छा उस्मान में एक चीज़ मुझे बताएं, अभी हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे सेल के लिए हो अडल्ट में या पपीज में, ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं जो लेना चाहते हैं। असल में मेरे पास बहुत कॉल्स आती हैं कि हमें जर्मन शेफर्ड चाहिए, स्पेशली लॉन्ग कोट की बहुत आती है। अच्छा कुछ को तो मैं समझाता हूँ, देखें मैं जब समझा रहा होता हूँ तो कुछ लोग शायद ये सोचते होंगे कि यार लॉन्ग कोट शायद इनके पास है नहीं, इस वजह से ये समझा के हमें खामोश कर देते हैं कि आप ना रखें। उसके पीछे बड़ा रीज़न है, कराची में गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी ऐसी गर्मी है जो कि शेफर्ड के लॉन्ग कोट बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब हम उनको अगर एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट दे भी देते हैं वो कब तक दे सकते हैं। दूसरा ये इम्यूनिटी वीक होना शुरू हो जाती है। लोग ऐसा समझते हैं कि एसी में अगर हम रखेंगे तो एयर कंडीशन रखेंगे तो डॉग सही रहेगा, लेकिन एसी की जो कूलिंग है वो उनके लिए नहीं है। वो टेम्परेचर, वो एक टेम्परामेंट जो होना चाहिए उनका, वो एसी के अंदर सही नहीं रहता। आप इन्होंने देखे एयर कूलर लगाया हुआ है फिर भी सर्दी के लिए ना, लेकिन हम कराची में एयर कूलर भी नहीं लगा सकते क्योंकि ह्यूमिडिटी लेवल्स इतने हाई होते हैं वहां पर। मैं आपकी थोड़ी बात कर रहा हूँ, सबसे पहले ये चीज है आप लोगों के कराची के लिए, आपने लॉन्ग कोट जानवर को जितना ठंडा रखेंगे ये उतना अच्छा आपको रिजल्ट देगा। ठंडा किस तरह रख सकते हैं? लेकिन उसके लिए वहाँ सबसे पहले तो आपको टेम्परेचर चेंज करना है, या वहाँ पे कूलिंग ज्यादा हो, वेंटिलेशन हो, पंखा लगाओ, मौसम ठंडा होगा, आपको किसी भी तरीके से आपने उसको ठंडा करना है। सही, ठीक है, तब ये फिर मेल चलेंगे, अदरवाइज ये मेल वहाँ पे काम नहीं कर सकते। सही। आप नॉर्मल रूटीन में देख लेंगे हम लोगों को कितनी गर्मी लगती है, ठीक है। अगर हम लोग अपने बाल नहीं कटवाते तो हम लोग बारिश करते हैं कुछ, इसी तरह मेंस क्या है, इनको इनके लिए लाजमी है कि इनके लिए ठंडी जगह चाहिए। बिल्कुल। और ये ज्यादातर लॉन्ग कोट जो मेल है आपके कराची में नहीं चल सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, और कराची के अंदर इतने लॉन्ग कोट मेल दिखते भी नहीं है, और जो होते भी उनके शेड शेड हुए हुए होते हैं या लोगों ने ट्रिम किए हुए होते, ट्रिम करने पड़ते हैं। सही है। अच्छा ट्रिम करने पे मैं थोड़ा सा इस चीज पे ना मना करता हूँ लोगों को, ये ट्रिम ना करें क्योंकि कुत्ते की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, वो खराब हो जाती है और डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है। और दूसरा एक इनके अंदर शेडिंग भी काफी कॉमन होती है, हैवी शेडिंग करते हैं ये, जैसे अभी ये शेडिंग पर है, शेडिंग पर मेरे ख्याल से कंप्लीट अभी नहीं इसने अपनी कंप्लीट कर ली शेडिंग नहीं, अभी इसने शेडिंग स्टार्ट की है। अच्छा, अगर आप इसको कोर्ट में देखते तो आप इसको पहचान ही नहीं सकते। वो भी मैंने उस्मान भाई देखा हुआ है, अभी तो हम आपके सामने सारे जानवर मेरे कोट शेड कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अभी जारी बात है, आप केयर कर रहे हैं, इंशाल्लाह मजीद बेहतर हो। और अब हम उस्मान भाई का ब्लैक मास्क 10 ब्राउन मेल देखते हैं और उसके बारे में उस्मान भाई से बात करते हैं। अच्छा तो उस्मान भाई ये आपका मेल है डेंजो एफसीआई इंपोर्ट? जी ये मेरा एफसीआई मेल डेंजो पोलैंड से इंपोर्ट हुआ था। नो गेट। अच्छा इसका आप रिसेंटली मैंने लिटिल किया और इसी के पब्स से सेल कर रहा हूँ, तो ये आपके सामने है। अच्छा ये फॉरन जैलिस हो रहा है आपका दूसरा वाला मेल, ये देखें कि एक मेल निकाला है और दूसरा मेल फॉरन एग्रेसिव हो गया कि इसको क्यों प्यार किया जा रहा है। ये देख नो Why not? No, please. No. ये आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह, इसका बोन स्ट्रक्चर देखें, स्लोप इतना खूबसूरत दे रहा है, और आप हेड साइज देख रहे हैं इसका, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेड साइज है। उस्मान भाई ये आपके पास कब से है ये मेल और आपने कब इंपोर्ट करवाया था पोलैंड से? ये मेल मेरे एक दोस्त के पास था, तकरीबन 8 से 10 मंथ हो गए कि मैं अपने दोस्त से अपने पास ले आया हूँ, क्योंकि मुझे ये मेल बहुत ज़्यादा पसंद था। फिर अब आपके सामने मैं इसके ये माशाल्लाह ये मेरा ब्रीडिंग मेल है,
और इसके मैं यहाँ पे लीटर लेके सेल कर रहा हूँ। और इसका स्टड आप दूसरों के लिए ओपन करते हैं? जैसे कुछ लोग होते हैं, हमारे पास कॉल आती है कि हमारी फीमेल हीट के ऊपर है और हमें मेट करवाना है। सबसे पहले तो ये है कि मेरे पास अपनी इतनी फीमेल्स हैं कि मुझे बाहर जरूरत ही नहीं पड़ती स्टड देने के लिए, लेकिन अगर कोई दोस्त वगैरह को आ जाए तो फिर देना पड़ता है। सही। तो अगर कोई हमारे रेफर से आता है कि पेट्स क्लैन के रेफर से कोई आ रहा है, तो क्या आप उनकी इस तरह इस मामले में हेल्प कर पाएंगे? सही बात है, अगर हमारा भाइयों के साथ ताल्लुक है, एक हमारे भाई कराची से इस्लामाबाद मेरे पास आते हैं, तो उनके लिए करना तो पड़ेगा मुझे। बस हाँ, मुझे ये पता है कि आपकी एक ही शर्त होती है कि फीमेल क्वालिटी वाली हो। ये मेरी जो है ना सबसे पहली शर्त है कि फीमेल क्वालिटी की होगी तो मैं मेट करवाऊंगा। सही। अच्छा उस्मान भी, इसको फिर अब हम बंद करते हैं ताकि मुझे आप ना बच्चों का दिखाएं कि इनके पपीस कैसे हैं, ताकि जो लोग कस्टमर्स हमारे लेना चाहते हैं, ये बड़ा अच्छा टाइम है क्योंकि अभी हम लोगों ने अचानक से छापा मारा है अपने उस्मान भाई के कैनल पे, इस्लामाबाद आ गए हम एक दिन के नोटिस पे, तो हमें बच्चे दिख गए, वरना इनके पास बच्चे रुकते नहीं है, ये फौरन सेल हो जाते हैं कि जब भी हमने इनसे पूछा तो सोल्ड आउट। ये माशाल्लाह मेल एफसीआई मेल डेंजो पोलैंड बोर्ड, ये उसकी ब्रीड है। ये मेरे पास 8 बच्चे थे, अभी 2 फीमेल्स रह गई हैं। तो आपको पता है कि मेरे पास अगर कोई चीज आती है तो वो कितना टाइम रुकती है। एग्जैक्टली। और जो मेरे अक्सर फेसबुक पे कमेंट्स हैं वो भी आप जानते हैं। बिल्कुल 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 उस्मान भाई, आपसे तो हम भी कितनी बार परचेज करने की सोचते हैं, हमेशा हमारे पास ये कॉल आती है कि सोल्ड सोल्ड। माशाल्लाह बच्चों का बोन स्ट्रक्चर बहुत प्यारा है, ये आपके सामने है। अब नुमान भाई एक बात मैं आपसे ये करना चाहूंगा, ये बल्कि पब्लिक को पता भी चले कि लोग समझते हैं कि बच्चा बहुत आसानी से पल जाता है, या लोग जो है ना कि बहुत इजी है सारा कुछ, उनको ये नहीं पता कि एक ब्रीडर के लिए एक बच्चा पालना कितना मुश्किल काम होता है। बिल्कुल, ये मैं भी जानता हूँ कि लोग कहते हैं जी उस टाइम नहीं ऐसे नहीं ऐसे है ऐसे है, लेकिन उन सबको ये गैर नो का ये चीज आप जरा मेंशन करें कि एक ब्रीडर के लिए बहुत टफ होता है कि इस स्टेज पे बच्चे को कवर करना, उसकी हेल्थ का उसकी केयर करना। ये तो उस्मान भाई एक फुल टाइम जॉब है कि हमारे पास भी अगर लिटर्स हो रहे होते हैं, हमें बहुत अच्छे से आइडिया है और लोगों को भी हम समझा रहे होते हैं और बता रहे होते हैं। जो लोग आजकल बहुत सारे लोगों को यानी शौक चढ़ रहा है कि ब्रीड करवाएं और बहुत अच्छे से करवाना भी शुरू हो रहे हैं। और सेकंड नुमान भाई मैं सब व्यूअर्स के लिए एक रिक्वेस्ट करूंगा, अक्सर आपने देखा कि हर दूसरे दिन फेसबुक पे ऐड लगा होता है जी कि फलां ने फलां के साथ फ्रॉड कर लिया, फलां ने फलां के साथ फ्रॉड किया। इससे बेहतर नहीं कि आप जो अपने जो लोग अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं जिनका एक नाम है, आप लोग सब लोग उनको तरफ रेफर करें ताकि उनको एक क्वालिटी मिल सके। जो कस्टमर अब पेमेंट दे के, जारी बात है पेमेंट देनी है कस्टमर को, चीज लेनी है, तो जब अगर वो पेमेंट हमें अच्छी दे रहा है हमारी मर्जी की, तो हमारा भी फर्ज है कि हम लोग भी इसको क्वालिटी वाली चीज दें। या वो जो लोग OLX पे फ्रॉड हो रहे हैं या फेसबुक पे हो रहा है, इस चीज से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। सही। नहीं माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि बच्चों का साइज और वेट भी अच्छा खासा है। अभी इनकी एज क्या होगी इन पपीज की? ये वजन नुमान भैया ये अभी बच्चे बने हैं तकरीबन 2.5 महीने से कम है, तकरीबन 2.5 महीने के बच्चे हैं। सही। इनकी हेल्थ और ये सारा कुछ आपके सामने है। सही। अच्छा उस्मान भाई ये दो मेल फीमेल हैं या दोनों फीमेल्स हैं या दोनों मेल हैं? ये मेरे पास 8 पप्स थे। अच्छा। तो 6 जो हैं वो बच्चे समझ लें कि आप 2 दिन के अंदर चले गए हैं, ये 2 फीमेल्स रह गई हैं, इनकी भी तकरीबन बात चल रही है। सही। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आज या कल ये भी चली जाएंगे। ओके। तो अगर कोई भी ये वीडियो देख के आता है आपके पास, तो अगर अवेलेबिलिटी होती है तो प्राइस आप वीडियो पे ही बताना पसंद करेंगे या कॉल की जाए? इंशाल्लाह जो इसमें नंबर दिया होगा, तो मेरी तरफ से तो ये है कराची वालों के लिए कि नुमान भाई हमारे बैठे हुए हैं, आप इनसे बात करें, कोई इशू नहीं है, ये मुझे कॉल कर देंगे तो इंशाल्लाह मिल जाएगा आपको। सही। ये देखिए बल्कि भाई ने पप्स हाथ में उठाया, ये आपको अंदाजे बता सकते हैं कि इस टाइम वेट या इसकी हेल्थ आपको कैसी लगती है। नो डाउट मैंने अपनी लाइफ में काफी देखे जर्मन शेफर्ड्स के पप, लेकिन इनका बोन स्ट्रक्चर और इनका बॉडी वेट और जितने ये एक्टिव है और अभी से स्लोपी दिख रहे हैं, यानी अभी से इनके बैक के अंदर ना स्लोप आ रही है बहुत प्यारी सी। और ऐसा चाहिए भी नहीं है कि ये कुछ मतलब मोटे हुए हैं या इनको ओवरफीड करके, जैसे कुछ कैनल्स वाले करते हैं कि वो बच्चों को ओवरफीड कर देते हैं और उससे क्या होता है कि वो मोटे लग रहे हैं। और उस्मान भाई इनकी भी डाइट सेम रहती है अडल्ट वालों की तरह ही चीज दी जा रही होती है इनको? डिफरेंट डाइट तो डिफरेंट करनी पड़ती है मुझे, ठीक है, उसके लिए आपको पता है कि एक बच्चे में और एक बड़े में कितना डिफरेंस होता है। बिल्कुल। तो इनकी गजा थोड़ी हल्की होती होगी लेकिन ताकतवर होती है। हम लोग
लेकिन ताकतवर होती है, ताकतवर होती है। सही। अच्छा उस्मान भाई ये मुझे थोड़ा क्विकली बता दें कि ये बच्चे नॉन पेडिग्री हैं पेडिग्री हैं? नुमान भाई इस दफा जो पप्स हम लोगों ने रखे हैं नॉन पेट रखे हैं, क्योंकि हर दफा हम लोग पेट करते हैं पप्स। सही है, रजिस्टर करवा लेते हैं। जी रजिस्टर करवाते हैं, लेकिन बहुत से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वो भी इन डॉग्स का शौक करना चाहते हैं, तो उनके शौक को मद्देनजर रखते हुए इस दफा हम लोगों ने पप रजिस्टर करवाए। सही है, वरना हमारे पास दोनों तरीके के मिल सकते हैं, पेट भी मिल सकते हैं, नॉन पेट भी मिल सकते हैं। सही। अच्छा उस्मान भाई ये बच्चे हमारे बुक हो चुके हैं या अभी ये सेल के लिए ओपन है? ये टू फीमेल्स रह गई हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है एक दो दिन में ये भी चली जाएंगी। अच्छा अच्छा, यानी इनकी बात चल रही है। अगर कोई इस टाइम से पहले डील डन होने से पहले कोई कस्टमर आता है तो नुमान भाई आपको, बल्कि मेरा तो पता है कि मैं बोलता हूं, इसलिए थोड़ा सा हिचकिचा रहा था। जो फर्स्ट जो पहले आ गया वो लेगा। हाँ, मैं किसी के लिए वेट नहीं करता। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सही। चले अब व्यूवर्स आप देख रहे होंगे माशाल्लाह बारिश बहुत तेज हो गई है और मेरा कैमरा भी खराब हो सकता है और हम लोग भी भीग रहे हैं, बच्चे भी भीग रहे हैं, तो मैं बच्चों को भी अंदर कर दूं। सही है। और इनको भी, अच्छा एक चीज और मैंने पूछनी थी, अगर उस्मान भाई हमें कराची में चाहिए हो तो क्या किया जाए? देखिए कराची वालों के लिए मेरा एक मैसेज है कि ये मेरे भाई हैं नुमान भाई, जारी बात है जो कराची से मेरे पास माशाल्लाह चौथी पांचवी दफ़ा आए हैं, तो हम इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। कराची वाले बेशक नुमान भाई से ड्रग डील करें, मुझे कोई इशू नहीं है, चीज़ वहाँ कराची वालों को देना नुमान भाई का काम है और भेजना यहाँ से मेरा काम है। बेसिकली आप ये समझ लें कि हमारा पेट्स क्लैन का कैनल ही यहाँ पे इस्लामाबाद में लोकेट हुआ हुआ है, तो जिस तरीके से आप ट्रस्ट हम लोगों पे करते हैं, पेट्स क्लैन के ऊपर करते हैं, वैसे ही हम वही लोगों से आपको मिलवाएंगे अपनी हर वीडियो में आगे चल के भी, जो लोग हमारे ट्रस्ट के काबिल हैं, जिनके पास से क्वालिटी आपको वही मिलेगी जो क्वालिटी मेरे पास से मिलती है, या तो ए प्लस, इससे नीचे हम रखते ही। अच्छा देखिए लोग, थोड़ा सा मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि लोग फ्रॉड खाते हैं, बहुत ज़्यादा धोखे खाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि हमेशा आप ट्रस्टेबल सोर्सेज से ही बच्चों को मंगवाएं। और दूसरा ये कि आप ये ना देखें कि अभी आपको 25,000 का बच्चा पड़ा है, 30,000 का पड़ा है, वो बच्चा बड़े होके क्या निकलता है आपको नहीं पता। Exactly. आपका तो शौक खत्म होगा। मैं हर बार ये बात बोलता हूँ कि कभी भी आप परचेज करें, मुझसे नहीं करें, किसी से भी आप परचेज कर रहे हो, मेरा नंबर इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर दें। सही है, उस मैसेज पे मैं देख के आपको बता दूंगा कि बच्चा किस क्वालिटी का। देखिए मैं उसको इस तरह मेंशन करूंगा कि एक चीज मुझे नुमान भाई समझ नहीं आती कि आप एक ब्रीडर हैं, एक बच्चे को यहाँ तक लाने में कितनी एफर्ट होती है। बिल्कुल। और वही चीज़ अगर कस्टमर बोलेगी कि वो 40 की दे रहा है, आप इतने की दे रहे हैं, फ्लाई इतने की दे रहा है, तो वो चीज़ सिर्फ कल को इसी तरह फेसबुक पे लगा होता है कि ये फ्रॉड चल रहा है, ये इस तरह है, तो क्वालिटी इज द बेस्ट। एग्जैक्टली। ओहो बारिश बहुत तेज हो गई है, अब हम रैप अप करते हैं वीडियो, इजाजत लेते हैं और इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और जगह, या तो हम अपने ही चैनल में कुछ नया बताते हुए आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन देते हैं। ओके। अगर वीडियो को अच्छी लगी हो आपको तो जरूर लाइक करनी है, सब्सक्राइब करनी है और शेयर जरूर करनी है आगे। अच्छा ठीक है, एक सेल्फी हो जाए उस्मान भाई आपके साथ मजेदार किस्म की। और ये गेल बहुत खुश हुआ हुआ है, पानी पी रहा है, देखिए बारिश का। ओके व्यूअर्स, फिर मिलते हैं हम लोग किसी और चैनल के साथ।